नाउ बेटाओ, अब तक हमने सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये स्टडी कर ली। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में उनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस से क्या मतलब है मेरे बेटाओ? पार्टिकल्स जो है, जो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी होते हैं, ये पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर हैं? जब इस चीज को हम अपने डायग्राम में एक पॉइंट के थ्रू शो करते हैं और उन पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हम शो करते हैं, तो एक जो अरेंजमेंट हमें मिलता है, एक 3D व्यू मिलता है, उसको हम बोलते हैं लैटिस, स्पेस लैटिस। तो क्या है बेटा स्पेस लैटिस? इट इज अ 3D व्यू एट डिफरेंट साइड्स, ठीक है ना? या 3D व्यू किसका है बेटा? 3D व्यू ऑफ लैटिस पॉइंट, 3D व्यू ऑफ लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट से मतलब है यहाँ पर हमारा पार्टिकल से, जिन पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है उनको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, शो कर देते हैं। उन लैटिस पॉइंट्स का एक 3D व्यू है। कितनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes. एनी एनी प्रॉब्लम? तो ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। इससे हमें क्या पता लगता है बेटा? इससे हमें क्रिस्टल में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की जानकारी होती है कि पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो इस लैटिस का मतलब समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल, किसी भी क्रिस्टल में अगर सपोज करो एटम्स आपके जो है, पार्टिकल्स जो है, उनके मैं सेंटर्स को ऐसे शो कर दूं कि मैं सेंटर शो कर रहा हूँ उन पार्टिकल का, वो एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, उनके मैं सेंटर को शो कर रहा हूँ, ये इस तरह से अरेंज्ड है। और मेरे बेटा इसका जो एक 3D व्यू बनेगा, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आप समझ जाओगे। इनको मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, ये अभी आपको सबको दिख रहा है 2D है। मैं अब इसमें कुछ और पार्टिकल्स ले रहा हूं क्योंकि तो रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं हम, एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। इन पार्टिकल्स को मैं दूसरे कलर से जोड़ रहा हूं जिससे आपको सब दिख जाए अलग साफ साफ। ये जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं, ये जो रेड वाला है वो अलग प्लेन है बेटा, जो रेड मार्कर से मैंने जोड़े हुए हैं वो प्लेन क्या है? वो अलग प्लेन में पार्टिकल्स है। जो ब्लू वाले से पार्टिकल्स को जोड़ रहा हूँ, ये इस प्लेन के आप ऊपर मान सकते हैं इस प्लेन को या नीचे मान सकते हैं, ये ऊपर है इसके पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को अगर मैं ऊपर नीचे वालों को ग्रीन लाइन से जोड़ दूं तो आपको एक 3D व्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो बेटा, 3D व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। तो ये जो व्यू आपको 3D आपका व्यू मिला, इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस।
और इस स्पेस लैटिस में ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या शो करते हैं बेटा? कि लैटिस पॉइंट शो करते हैं न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उसके न्यूक्लियस को शो कर रहे हैं। सही मायने में पूरा पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ी होता है, पार्टिकल्स जो आपस में टच कर रहे होते हैं, तो ये उनके न्यूक्लियस है। तो ये सब आपके इस क्या है, लैटिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? यस सर। और इस लैटिस पॉइंट को मिलाने पर जो हमें थ्री डायमेंशनल व्यू मिलता है, उस थ्री डायमेंशनल व्यू को हम क्या बोलते हैं? लैटिस स्पेस लैटिस। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा, पिक्चर क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। अब ये एक्चुअल में स्पेस लैटिस का जो पता लगाया जाता है, वो ये स्पेस लैटिस जो है, इट इज फाउंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। अलग अलग साइड से हम एक्सरे डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन मेथड से हम इसको पता करते हैं, बट ये आपका काम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है किससे पता करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये जो आपका पूरा स्पेस लैटिस बना है, इस स्पेस लैटिस में अगर आप ध्यान दें बेटा हो तो देखो, इसके अगर आप टुकड़े करते जाओ, मेरे अब यहाँ पर इसको एक येलो मार्कर से शो करूंगा, इसमें आपको एक ऐसा पार्ट मिलेगा, मैं येलो मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, दिख रहा है बेटा येलो मार्कर से मार्क करते हुए? यस सर। ये येलो मार्कर से मैंने इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक टुकड़ा निकाला, ये टुकड़ा अगर आपका हम एक दूसरे के ऊपर लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ऊपर नीचे हम इसको रखें, थ्री डायमेंशनली अरेंज करें, तो पूरा लैटिस बन जाएगा ना? यस यस सर। और अब आप इसको उल्टा सोचो कि मैं इस स्पेस लैटिस को के टुकड़े करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो टुकड़े करते करते मुझे ये एक पार्ट मिलेगा, एक ऐसा पार्ट मिलेगा जिस पार्ट में इस पूरे क्रिस्टल के सारे करेक्टर्स होंगे। अगर आप इससे भी छोटा कर दोगे तो फिर क्रिस्टल के करेक्टर्स उस छोटे पार्ट के अंदर नहीं होंगे। मान लो आपने एक पार्टिकल निकाल दिया बाहर, तो वो एक पार्टिकल पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं दे पाएगा। लेकिन ये पार्ट जो मैंने बाहर निकाला है, ये पूरे क्रिस्टल की शेप ज्योमेट्री की पूरी जानकारी हमें दे देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? बोलो बेटा। हो Yes, sir. तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं? यूनिट सेल। तो मेरे बेटा, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हुई? इस यूनिट सेल की डेफिनेशन आपके सामने अब मैं लिख रहा हूं। The smallest portion, उसका टुकड़ा, उसका part of crystal lattice which has all the properties ऑल प्रॉपर्टीज में, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, स्ट्रक्चर को बताइए, और फंक्शनल या किसी काम को लेकर हो, सारी प्रॉपर्टीज विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, जिसमें क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज होती है,
is called unit cell. Is that clear? बोलो बेटाओ, आपने आपने बायो में सेल की डेफिनेशन पढ़ी होगी. द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड सेल. यहां सॉलिड में इसी को हम बोल देते हैं यूनिट सेल. बेटाओ, बायो में आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी? यस सर. हाँ, 9th-10th में सबने पढ़ी हुई है. ऐसा नहीं है कभी आपने ऐसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट बोले सर हमने नहीं पढ़ी. 9th-10th में इतनी बायो तो आपने ही पढ़ी होती है. गौरी? यस सर. क्या होती है डेफिनेशन सेल की? सर, द फंक्शनल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल. बिल्कुल. अब इसी को अब यहाँ पे क्रिस्टल में जोड़े. ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें प्रॉपर्टी सारी क्रिस्टल की मेंटेन रहे. ऐसा इतना छोटा मत कर देना कि प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए. लॉस्ट हो जाए तो फिर उस छोटे पार्ट को सेल नहीं बोलेंगे. इतना छोटा करना है, लिमिट मेंटेन रखनी है जहां तक उसकी प्रॉपर्टी बनी रहे. उससे आगे और छोटा ना कर पाओ आप प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हुए. तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं यूनिट सेल. बायो में हम उसको क्या बोल देते हैं? सेल ओनली, है ना. और सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी. बायो में आप लोग पढ़ते हो. और यहाँ पर हम इस स्टडी को यहाँ पे बोल देते हैं बेटा क्रिस्टेलोग्राफी. वो बाद की बात है. ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? यस सर. वेरी गुड. लेकिन मैं इसकी एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. तो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ. अब इसको हम उल्टा सोचो. अभी तो मैंने इसको क्रिस्टल लैटिस को छोटा किया टुकड़े करते हुए, तब मुझे स्मॉलेस्ट यूनिट मिली है. अब इसको उल्टा सोचो. मैं इस स्मॉलेस्ट यूनिट को अगर रिपीट करूं, रिपीट का मतलब ऐसी यूनिट में बार बार एक दूसरे के ऊपर रखूं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप एंड डाउन थ्री डायमेंशनली, तो मुझे पूरा क्रिस्टल बनेगा, मतलब क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? इसकी अगली डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल व्हिच गिव्स क्रिस्टल लैटिस, जिससे क्रिस्टल लैटिस बन जाए. व्हिच गिव्स क्रिस्टल लैटिस ऑन रिपीटिंग, रिपीट करने पर इसको, मतलब ऐसी यूनिट्स को बार बार रखने पर, ऑन रिपीटिंग इन 3D, थ्री डायमेंशनली अगर इसको मैं रिपीट करूं तो मुझे क्रिस्टल लैटिस वापस से मिल जाए, देन इज कॉल्ड यूनिट सेल. बेटा डेफिनेशन क्लियर होगी दोनों? कोई भी आप एक लिख के आ सकते हो. अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन यूनिट सेल तो आप लिख दोगे? यस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. वेरी गुड. लेकिन ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को हम लोग स्टडी करते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर से, जिनको हम यहाँ पर बेटाओ यूनिट सेल के पैरामीटर्स कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसको हम करैक्टराइज करते हैं. हर यूनिट सेल का एक करैक्टर डिसाइड करते हैं कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स के थ्रू. उन्हें हम बोल देते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स. तो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं. अब अ यूनिट सेल इज करैक्टराइज्ड बाय, या इसके करैक्टर हम डिसाइड करते हैं किसी भी यूनिट सेल के दो चीजों से. बाय नंबर वन एज लेंस. जो एजेस होती हैं ये आप जानते हो, इनकी लेंथ से, इनको लेंथ को थ्री डायमेंशनली मैं क्या बोल सकता हूँ? ए बी सी. बात समझ में आ गई? यस सर. मैं ए बी सी नाप के देखूंगा मेजरमेंट इस यूनिट सेल के, ये तीनों लेंस बराबर है या दो बराबर है या तीनों डिफरेंट है,
मैं एक करेक्टर्स यहाँ पे देखूंगा, इन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग यील्ड सेल्स को अलग अलग नाम दूंगा। और दूसरा है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं बेटाओ इंटरफेसियल एंगल्स, क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल्स। मैं अलग पेन से शो कर रहा हूँ, आप समझे। अगर मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन मानूं तो इस ओरिजिन से मेरे बेटाओ इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल, मान लो मैंने इसको अल्फा बोल दिया, फिर उसके बाद में ये ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो एक एंगल इधर बनेगा बीटा और एक एंगल इधर बनेगा गामा, इज दैट क्लियर? तो मैं ये तीन फेसेस के बीच के या तीन एक्सिस के बीच के एंगल्स, इंटरफेसियल एंगल्स दैट इज अल्फा बीटा गामा को मेजर करूंगा, और इनके थ्रू, इनकी वैल्यूज के थ्रू, इन दो चीजों की वैल्यूज के थ्रू मैं किसी क्रिस्टल यूनिट सेल जो है उसको पहचानता हूँ किसी दूसरे से। मतलब किसी यूनिट सेल के करेक्टर्स जो होते हैं मेन, वो एजलेंस और इंटरफेसियल एंगल्स की वैल्यूज और इनका करेस्पॉन्डिंग रिलेशन होता है। इसीलिए इन दोनों चीजों को, एजलेंस को और इंटरफेसियल एंगल्स को, हम क्रिस्टल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, जिन पैरामीटर्स पर क्रिस्टल को स्टडी किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? हो बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, इंटरफेसियल एंगल्स और एज लेंस, ये सारे मतलब अब क्लियर हो गए? वेरी गुड। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल आप जो नेचर में मिले हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं, अब तक जितने डिस्कवर हुए हैं उन सभी क्रिस्टल में जो यूनिट सेल्स मिली हैं, ये यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल पैरामीटर्स, इन करेक्टरिस्टिक के जो वैल्यूज है एंगल्स और एज लेंस के बेसिस पर, इन्हें हम लोग इस यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके, उसकी जो शेप बनेगी, जिसे आप लोग मैथ की लैंग्वेज में ज्योमेट्री कह सकते हो, उसके व्याप पर हम इन्हें सारी यूनिट सेल्स को या सारे क्रिस्टल्स को सात पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स। इज दैट क्लियर? बेटा बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। वेरी गुड। तो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं, इसको इरेज कर दूं? यस सर। वेरी गुड। तो आप इसके आगे लिखोगे हेडिंग क्रिस्टल सिस्टम्स, और इसमें आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, या आप मैथ की लैंग्वेज में ज्योमेट्री भी कह सकते हो, ऑफ यूनिट सेल एंड इट्स क्रिस्टल पैरामीटर्स क्रिस्टल्स आर डिवाइडेड इंटू सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके बेटा, कितने में डिवाइड किया गया है? सेवन। सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स में। अब इन सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स को आपको देखने के लिए एनसीईआरटी की बेटा एक टेबल बनी हुई है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी। बुक है सबके पास? यस सर। तो अपने बुक में देखिए, आपके बुक में ये टेबल बनी हुई होगी। सबको मिल गई? यस सर। यस सर। आप देखोगे आपके बुक में जो ये आपको पार्ट मिल रहा है,
मैं चाहूँ तो इसकी टेबल नंबर भी मेंशन कर देता हूँ आपके एनसीईआरटी की, एंड लेटेस्ट टेबल नंबर बताओगे कोई कितनी है? 1.3. वेरी गुड, एनसीईआरटी में टेबल 1.3 आप देखोगे तो वहां पर आपको ये 7 सिस्टम्स मिल जाएंगे। ओके बेटा, इन 7 सिस्टम्स में सबसे पहला जो सिस्टम है इसके अंदर वो है क्यूबिक, आपको दिख रहा होगा। दूसरा है टेट्रागोनल, दिख रहा है बेटा वो? तीसरा है, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक जो है आपको दिख रहा है, आपको सबको बताओ, सही बताना। यस सर, यस सर। ऑर्थोरोम्बिक को जनरली हम केवल रोम्बिक बोल देते हैं, आर एच ओ, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। अगला आपको इसमें दिख रहा होगा रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। चलो मैं पहले रोम्बोहेड्रल लिख देता हूं, इस तरह से आपको याद करना थोड़ा आसान रहेगा। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं, रोम्बोहेड्रल को एक नाम और लिखा हुआ ट्राइगोनल। ये जैसे मुझे याद है मैं वैसे लिख रहा हूं। फिर आप इसके बाद मिलेगा बेटा वो, चलो उससे पहले आपका है वो भी लिख देते हैं, वो हेक्सागोनल। इसके बाद 6 सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक, और लास्ट क्या है बेटा वो? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, इसके आगे आप लोगों को यहाँ पर 3 बातें लिखनी है टेबल में, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान देना। पहले आप लोगों को यहाँ पे आप मेंशन करना है वो इनकी साइड्स का रिलेशन बताना है, जैसे क्यूबिक में ए बी सी जैसे तीनों साइड्स, तीनों एज लेंथ बराबर होती है, तो पहले एज लेंथ कंपेयर करोगे, उसके बाद में आप एंगल्स कंपेयर करोगे, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और इसको यही बताओगे कितने डिग्री के हैं, ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं क्यूब में, आपको पता है। इसके बाद फिर आप लिखोगे इसके अंदर, मैं हेडिंग बता देता हूं, ऊपर हेडिंग नहीं लिखी हमने, ये क्रिस्टल सिस्टम से सबसे ऊपर, फिर साइड्स है मतलब एज लेंथ है, फिर एंगल्स है, और फिर ब्रेविस लैटिस। लास्ट में आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल लास्ट में लिखना, लेकिन इसके बीच में एक कॉलम बनाना है आपको जिसमें आपको लिखना है ब्रेविस लैटिस। क्या लिखना है बेटा? ये ब्रेविस लैटिस क्यूबिक में कितनी होती है, क्यूबिक में कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, ये आपको नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे ब्रेविस लैटिस क्यूबिक में 3 होती है, और तीनों के आपको नाम लिखने पड़ेंगे, प्रीनेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो पॉसिबल वेरिएशंस लिखा हुआ है, लिखा है ना बेटा? यस सर। उस पॉसिबल वेरिएशंस की जगह पर आप लिखोगे ब्रेविस लैटिस, क्या लिखोगे? वहां हेडिंग आप एक्स्ट्रा लिख लो, पॉसिबल वेरिएशंस और ब्रेविस लैटिस, लिख दिया? यस सर। वेरी गुड, तो ये एक टेबल में चेंज था इसलिए मैंने थोड़ी सी टेबल में करेक्शन करवाया है, बाकी सारी बातें आप इस तरह से लिखते चले जाओगे, इस टेबल को आप बनाओगे और इस टेबल में इनके सबके पैरामीटर्स, इनके एग्जाम्पल्स, इनके नाम, इन्हें याद करोगे। ये पूरी टेबल आपको यू हैव टू क्रैम, ये ढंग से रट्टा मार लेना है, अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये पैरामीटर्स हो, ये दिया हुआ आएगा तो बताओ कौन सा यूनिट सेल है, तो आपको ये नाम देना पड़ेगा, या अगर आपको नाम दे के पूछ लिया कि बताओ ट्राई क्लिनिक के लिए कंडीशन क्या होती है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के रिलेशन लिखे होंगे ऑप्शन में, आपको याद होगा तो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो इसमें कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें आप लोग कहो कि कोई रूल या कोई फॉर्मूला लगाओ,
ये आपको याद करना है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. इज दैट क्लियर? सर. ये सारी सारी वैल्यू याद करनी है. प्रीवियस लेटिस के बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले आप लोग ये पिक्चर दिमाग में सेट कर लो कि जो पॉसिबल वेरिएशन सेटिंग लिखी है आपके एनसीईआरटी में, वहां पर आप प्रीवियस लेटिस लिख दोगे बस. पर ये प्रीवियस लेटिस क्या है, इसके आगे हम बात करते हैं. अब इसमें एक तो बात है, आप इंपॉर्टेंट और नोट कर लीजिए मेरे बेटा, और जो ये सेवन सिस्टम्स बने जो मिले हमें क्रिस्टल के अकॉर्डिंग टू शेप और ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, ये ज्योमेट्रीज भी आपके एनसीईआरटी में फिगर 1.7 में सारी मेंशनड है. देखने में ये ज्योमेट्री कैसी होती है आपको सब दिख रही होंगी, आप उनको एक बार देख लें. लेकिन इस ज्योमेट्री से क्लियर है कि ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल बेटा मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है. आप इस पे लिख लोगे क्या है, मोस्ट सिमेट्रिक. कैसा है ये मोस्ट सिमेट्रिक, का मतलब इसके अंदर सिमेट्री सबसे ज्यादा होती है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिक. ओके बेटा, और जो ट्राई क्लिनिक है वो लीस्ट सिमेट्रिक या मोस्ट एसिमेट्रिक, इसमें सिमेट्री सबसे कम होती है. बात समझ में आ रही है? दो पॉइंट्स याद कर लोगे. बोलो बेटा. हो और इस टेबल में लास्ट पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रीवियस लैटिस किसमें कितनी कितनी है सिस्टम में, वो आपको लिखनी है. जैसे क्यूबिक में तीन है, टेट्रागोनल में दो होती हैं प्रीवियस लैटिस. कौन कौन सी नाम आप लिख लोगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड. ऐसे ही ऑर्थोरॉम्बिक में चार टाइप की मैक्सिमम होती है प्रीवियस लैटिस, वो ऑर्थोरॉम्बिक में होती है. उसके बाद फिर आपका रोम्बोहेड्रल में एक, उसके बाद में आपका हेक्सागोनल में भी एक प्रिमिटिव, और आपके मोनोक्लिनिक में दो होती हैं प्रीमिटिव और एंड सेंटर, और आपका जो ट्राई क्लिनिक है उसमें एक ही टाइप की होती है प्रीवियस लैटिस. बट आप इन सारे प्रीवियस लैटिस को ऐड करोगे तो ऐड करने पर टोटल प्रीवियस लैटिस जो आएगी वो कितनी प्रीवियस लैटिस होंगी बेटा, ये भी आपसे पूछ सकता है. टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस लैटिस इन ऑल क्रिस्टल सिस्टम्स कितनी होंगी, टोटल बताओ करके. 14. Very good. So there are only 14 types of brevis lattice and total 7 types of crystal systems. Crystal system कितने होंगे? 7, brevis lattice होंगी 14. Is that clear? Yes, sir. बस ये corrections करते हुए NCERT के table 1.3 में, और ये table पूरी आप याद करोगे. अगली क्लास से पहले आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए. लेकिन अब इसके आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, वो है ब्रीवियस लैटिस की. मैं इस पार्ट को इरेज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग. ब्रीवियस लैटिस क्या होती है और कितने टाइप की होती है, मैं लिखूं बेटा. हो सर, वन मिनट. यस. ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी आपको इस चैप्टर में मेरे साथ साथ रखनी है. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, पिक्चर आपके क्लियर होती जाएगी. आगे बढ़े बेटा. यस सर. देखिए बेटा, वो ये बात होती है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, और यूनिट सेल की जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स यूनिट सेल में कहाँ कहाँ, या अब हम सेल की ज्योमेट्री नहीं देख रहे हैं, हम उसकी शेप नहीं देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर हैं. इसके बेसिस पर हम इन यूनिट सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. नंबर वन प्रिमिटिव, या इसको हम एक नाम और देते हैं सिंपल यूनिट सेल, और दूसरी होती है मेरे बेटा वो नॉन प्रीमिटिव.
बहुत सिंपल सी बात है, इनकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और वो क्या है, प्रीमिटिव या सिंपल हम उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो केवल कहाँ पर हो, पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर पर अगर पार्टिकल है किसी भी यूनिट सेल के तो उस यूनिट सेल को हम प्रीमिटिव या सिंपल बोलते हैं। नॉन प्रीमिटिव तब बोलते हैं जब पार्टिकल्स आर अदर साइड्स अलोंग विद कॉर्नर्स। मैंने ये नहीं कहा कॉर्नर पे नहीं होंगे, पर कॉर्नर के अलावा किसी अदर साइड पर भी हैं पार्टिकल्स, तो ऐसी यूनिट सेल को हम नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में वो पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा और किस किस साइड पर हो सकते हैं अदर साइड पर, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है नॉन प्रीमिटिव में, जिसमें नाम से क्लियर है कि पार्टिकल्स अदर साइड्स की है, पे आप लिख दोगे बॉडी, बॉडी के सेंटर में, तो पार्टिकल्स आर विद इन बॉडी अलोंग विद कॉर्नर्स इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। इज दैट क्लियर? बोलो बेटा। हो यस। विद इन बॉडी मतलब आपका यूनिट सेल के अंदर, विद इन बॉडी विद कॉर्नर्स, कॉर्नर के साथ साथ विद इन बॉडी भी होंगे, तो उसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, मतलब मैं सारे यहाँ पे समझा देता हूँ। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड हम उसको बोलते हैं जिसमें हर यूनिट सेल का जो फेस होता है उसके सेंटर में भी हो, कॉर्नर के साथ साथ, तो आप इसमें लिख सकते हो पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच फेस अलोंग विद कॉर्नर्स, कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल हो, तो हम उसे बोलते हैं फेस सेंटर। ओके बेटा। हो और तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है जिसमें केवल दो अपोजिट फेस पर होगा, बस कहां होगा, पार्टिकल्स एट एनी टू अपोजिट फेसेस अलोंग विद कॉर्नर्स, देन इट इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इज दैट क्लियर बेटा? हो यस सर। वेरी गुड। आप यहाँ पे यूनिट सेल ये कोई भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना क्यूबिक सिस्टम लू, शेप के अकॉर्डिंग में क्यूबिक यूनिट सेल लू, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब हो जाएगा केवल कॉर्नर पर पार्टिकल हो यहाँ पर और कहीं नहीं हो, तो उसको हम सिंपल क्यूबिक बोल देंगे यूनिट सेल। अगर मेरे बेटा हो इस पूरे इसके अंदर क्या हो, कॉर्नर के साथ साथ अगर पार्टिकल इस पूरी बॉडी के अंदर भी है कहीं भी, तो हम इसको बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड। अगर हर फेस के सेंटर पर है, कहां पर है, हर फेस के सेंटर पर, पीछे आगे लेफ्ट राइट और बॉटम में, कॉर्नर के साथ साथ, तो हम इसे क्या बोल देंगे बेटा, फेस सेंटर्ड। क्या बोल देंगे? फेस सेंटर्ड। और अगर आप कहीं से भी बना सकते हो यूनिट सेल को, अगर कॉर्नर के साथ साथ केवल दो अपोजिट फेसेस, आप कोई से भी दो सेलेक्ट कर सकते हो अपोजिट फेसेस, सपोज करो आपने ये लेफ्ट और राइट वाला सेलेक्ट कर लिया साइड का, तो इट इज आल्सो एंड सेंटर्ड। आप फ्लोर और रूफ दैट इज बॉटम और टॉप वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप्स का, किसका नाम लिया है,
क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप सही है। ठीक है बेटाओ, आप ऐसे ही टाइप्स हर सिस्टम में बना सकते हो। इन्हें बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं इन्हें? ब्रेविस लैटिस। बस ये समझाना था, ब्रेविस लैटिस ही होती है। तो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम में किस किस टाइप की ब्रेविस लैटिस है, दैट इज किस किस टाइप की यूनिट सेल्स है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। सेब के अकॉर्डिंग 7 टाइप है, पार्टिकल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग टोटल 14 टाइप्स है। तो क्रिस्टल सिस्टम्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है 7 और ब्रेविस लैटिस पार्टिकल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग है 14। इज दैट क्लियर? यस बेटा, इतनी वेरी गुड। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बस रोज का रोज पढ़ो, याद करो।